कोविड के समय अचानक से हुआ टिनाइटिस कैसे ठीक हुआ, आइए पेशेंट का फीडबैक सुनते हैं। ठीक है दीक्षा जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना ऑडियो फीडबैक देने के लिए। जी थैंक यू मैम। आपकी एज कितनी है? 21। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी विजयनगर कानपुर के रहने वाले हैं। ओके, आपको कब से टिनाइटिस का प्रॉब्लम था? 2020 से था, जब फर्स्ट कोविड लॉकडाउन लगा तब से था। ओके, तो कुछ आइडिया है ये प्रॉब्लम आपको कैसे शुरू हुई? नहीं, ये तो मेरे अचानक से हो गई, नहा करके आए थे और लेटे और तुरंत कान बंद हो गया अचानक से। अच्छा, तो उसके बाद आपने फिर क्या किया? फिर यहाँ पे फिर डॉक्टर को दिखाया, टेस्ट वेस्ट करवाया, तो डॉक्टर ने तो ये बोल दिया इसका कोई इलाज है ही नहीं। इसका कोई इलाज नहीं है, इसके साथ ऐसे रहना पड़ेगा हमेशा। फिर आपने क्या किया? तो यहाँ पर दवा खाते रहा, कोई फायदा ही नहीं हुआ। होम्योपैथिक भी चलाया, एक्यूपंचर है वो भी ट्राई करा, कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर आप लोगों का यूट्यूब पे देखा था। ओके, तो फिर आप लोगों को एक कॉन्टेक्ट करा था। ठीक है, तो इस आवाज की वजह से क्या क्या दिक्कतें होती थी आपको? अरे बहुत प्रॉब्लम होती थी, कॉन्सेंट्रेट करने में भी प्रॉब्लम, सर भारी रहता था सबसे ज्यादा तो। और सर ज्यादा भारी रहता था, ये ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी, सोने में भी दिक्कत होती थी। अच्छा, तो जब आपने हमारे से ट्रीटमेंट शुरू किया उसके बाद किन किन चीजों में आपको आराम आना शुरू हुआ? पहले तो नींद में तो खैर काफी समय बाद आराम आया, लेकिन थोड़ा थोड़ा सर हल्का होने लगा था। तो आपको जैसे यहाँ पे कॉल फॉलोअप सर्विस आती थी उसमें आपको हेल्प मिलती थी, गाइडेंस आपको वो देते थे, तो उससे आपको हेल्प? जी, फायदा मिलता था, तो थोड़ा लगता था कि हाँ चलो ठीक हो जाएगा थोड़े समय में। जी, तो अभी कैसा सिचुएशन है आपका करंटली? अभी तो ठीक है, ओवरऑल ठीक चल रहा है सिचुएशन। ओके, तो आपको भी कितना बेटरमेंट है पहले से? पहले से है 60-65% है बेटरमेंट। ओके, तो जैसे आपको पता है कि आपके जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको इस चीज़ का प्रॉब्लम है बट अवेयरनेस नहीं है, डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि कोई इलाज नहीं है, तो क्या आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहते हैं जो इस टाइम आपको सुन रहे होंगे? जी हाँ, तो यही कहेंगे कि डॉक्टर स्पेक्टर से ही कॉन्टेक्ट करो, थोड़ा समय लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है, लेकिन आराम मिलेगा धीरे धीरे। ठीक है, हमारे ट्रीटमेंट से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? इजी था यूज करने मशीन? नहीं, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है। इजी टू ऑपरेट थी मशीन? आपको मशीन को इस्तेमाल करने में समझने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं, वो तो इजी है। ओके, तो क्या मैं आपका ये फीडबैक अपने यूट्यूब पे डाल सकती हूँ बाकी पेशेंट्स को अवेयरनेस देने के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। जी।